नमस्कार, आप देख रहे हैं glimpse.in। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सुदर्शन भगत आज राष्ट्रीय सेवा संघ के द्वारा किए जा रहे वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने राजधानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की स्थिति पर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही आदिवासियों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। मंत्रालय भी उनके विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए बेहतर से बेहतर कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि सुदर्शन भगत ने छत्तीसगढ़ में चल रहे पत्थलगड़ी विवाद पर कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों में पत्थलगड़ी को लेकर कोई विवाद नहीं है, अगर कोई नाराजगी है भी तो उसे जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, आज मैं विशेष रूप से वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और विशेष रूप से मैं उसी बैठक के लिए कल तक मैं रहने वाला हूँ और निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी, समय अगर संभव हो पाएगा तो मैं अपने विभाग के साथ भी मैं अपने विकास योजनाओं की जो भी कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा भी हम करेंगे, लेकिन विशेष रूप से हम कल्याण आश्रम की बैठक के लिए हम यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की स्थिति किस तौर पे आप आंकते हैं, कुछ देखते हैं, क्योंकि कई सारी समस्याएं यहाँ की बेहतर रहती है। सरकार बेहतर काम कर रही है जनजातियों के लिए, जो भी हमारे मंत्रालय की तरफ से उनके विकास के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उनके रोजगारों के लिए, उनकी आय की वृद्धि के लिए, जो भी हमारी भारत सरकार की, हमारी मंत्रालय की जो भी योजनाएं हैं उनको राज्य सरकार निश्चित रूप से उसको क्रियान्वयन कर रही है। ज़मीनी स्तर पर उन कामों को बेहतर ढंग से उतारने का काम किया है और हमारा मंत्रालय का भी यही मुख्य रूप से हमारा लक्ष्य ही है, हमारे जनजातियों का जीवन स्तर और सुदृढ़ हो, अच्छा हो, बेहतर। ऐसा किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। For more information, log on to www.clips.in।